हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, आई होप सब मजे में हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारा चैनल आरसी म्यूजिक बैंड में। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारे ट्रम्पेट सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो ट्रम्पेट सीखना तो वैसे सभी चाहते हैं, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग सीखना चाहते हैं कि ट्रम्पेट बजाएं, आज सीखें किस तरीके से सीखें। तो सबसे पहली चीज़ हमें एक ट्रम्पेट लेना होता है। ट्रम्पेट बजाने का जो सही तरीका है वो यही है। सबसे पहले हम ट्रम्पेट को क्या करते हैं, ट्रम्पेट होता है हमारे पास, एक ट्रम्पेट लेते हैं हम सेकंड हैंड, ठीक है। सेकंड हैंड ट्रम्पेट लेना, आपको ज़्यादा न्यू नहीं लेना। सेकंड हैंड लेंगे तो आपकी एकदम उसमें फूंक मुलायम पड़ेगी, फूंक डालने का बहुत इजीली आपको तरीका मिल जाएगा। इसलिए मेरी यही सलाह है कि आप ट्रम्पेट लें तो नया ना लें, ठीक है, पुराना ही लें, किसी बजाने वाले का ट्रम्पेट लें, क्योंकि उस ट्रम्पेट में आपको एक मुलायमत मिल जाएगी, वहाँ एक खुला हुआ बाजा मिल जाएगा। क्योंकि इसकी जो नया बात, कोई नई चीज़ होती है तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है खोलने में उसको। तो यह है, हम जब नया नहीं पुराना लेंगे तो उसमें हमारे खुला खुला वजह मिल जाएगा, तो उसमें फूंक हमारी इजली बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, फूंक डालते हैं, ठीक। हमने एक ट्रम्पेट ले लिया, जैसे मैंने इस टाइम ले लिया, ठीक। तो हम सबसे पहले चीज उसमें फूंक डालने के प्रेस करते हैं, ठीक है, किस तरीके से, ठीक है। कोई भी सुर देख के पकड़ने, मतलब इसका ये है, हम थोड़े अगर आराम से फूंक डालेंगे तो थोड़ी नीचे आवाज लगेगी, थोड़ा और थोड़ा जोर लगाएंगे तो थोड़ी और ऊंची आवाज, थोड़ा सा और जोर लगाएंगे तो थोड़ी और ऊंची आवाज। इस हिसाब से हमें ट्रम्पेट को गाना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर चाबियों का भी काम होता है ना, चाबियों का काम होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिर्फ हमें इस तरीके से फूंक डालना सबसे पहले, मतलब कोई चाबी नहीं दबाएंगे हम, उसके बाद हम फूंक लेंगे। जो थोड़ी और पिंच होगी, जितना जोर लगा लेंगे उतनी आपकी जैसी पिंच है। आप शुरुआत में तो खैर ज्यादा ऊंचा नहीं फूंकेंगे, लेकिन शुरुआत में आप इतना तो फूंक सकते हैं ना, इतना। और फूंक को थोड़ा ठहराव के साथ जाए, अब थोड़ा और ऊंचा, अब थोड़ा और ऊंचा, अब थोड़ा और जोर लगाएंगे तो और ऊंचा बजाते हैं। ये थोड़ा और ऊंचा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले इस तरीके से फूंक डालना सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना, फिर हमको चाबी दबा के, इन फिल्मों में भी दिखता ना चाबी दबा के, अब ये चाबी दबा के थोड़ा और ऊंचा फूंकना, करना है इस तरीके से, रह करना, बस एक ही चाबी दबाके हमें 400 मिला, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस तरीके से हम रियाज करना, हमको कम से कम 2-4 दिन हमें उसके फूंक में चलाना, फूंक हमारी फूंक में सुधार जाएगा। इस तरीके से हमें रियाज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है हमारा, हमको फिर एक उस्ताद जो होते हैं हमें सरगम बताते हैं। तो सरगम, हम बहुत सारे सरगम हैं, तो बहुत सारे राग हैं, एक सरगम के द्वारा एक राग होता है, जिसे हम कोई सरगम बताता है, हमें मान लो सरगम हमारी, तो दोस्तों ये सरगम भी है आपकी, ठीक है। और सरगम के साथ साथ ये आपका एक राग हो जाता है, इससे बोलते हैं राग भैरव, ठीक है। तो राग भैरव ही हो जाता है और ये आपकी सरगम हो जाती है, जैसे देखें, राग भैरव भी हो गया और एक आंख की सरगम। तो लोग पहले सबसे शुरुआत में हमें उसको सरगम कहते हैं, ठीक है। तो राग में भी मालूमात इतनी नहीं होती शुरुआत में, तो हम उसको एक सरगम, सरगम के तरीके से उसको रियाज करते हैं तेजी से, स्पीड से। इस तरीके से रियाज करना, ठीक है। उसके बाद हम कुछ उस्ताद दूसरे सरगम बताते हैं, मान लो कोई और सरगम ले लो, बहुत सारी सरगम है, वैसे तो सरगम कहते हैं तो, लेकिन राग होती है मेन चीज ना, उसमें एक राग मिल जाता है। फिर उसके बाद हम कोई उस्ताद सरगम बताते हैं, थोड़ी ऊंची सरगम, ठीक है, ऊंची पिंच वाली, कौन सी,
ई सरगम बताते हैं। तो दोस्तों ई सरगम है, आप नए हैं तो आपको ई सरगम है, लेकिन जो लोग समझने वाले हैं, जो राग रागनी को समझते हैं, तो ये वो आपका एक राग हो जाता है, राग भैरवी, तो उसको राग भैरवी मान सकते हैं। लेकिन जब आप इस चीज को ना देखें, इस टाइम आप राग भैरवी ना देखें, आप सिर्फ उसको रियाज करना है आपको। इस सरगम से क्या होता है, हमारे हाथ जो होते हैं, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, एक हमारे फूक में सुधार आता है और हमारी उंगलियों में सफाई आती है। तो इसलिए हमको लोग पहले सबसे पहले सरगम पे रियाज करने को बताते हैं। दोस्तों फिर गाने निकालना तो बहुत ईजी हो जाता है, जब सरगम पे आज अच्छा रियाज होगा आपका तो आप गाने बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी देख लें। दोस्तों सरगम को आप बजाएंगे, दोस्तों मेरा ये कहना है, जब सरगम को आप बजाएंगे तो इस सरगम में आपको एक राग तो है, राग भैर भी है, लेकिन जब सरगम आप बजाएंगे तो सरगम एक बहुत ही इजीली चीज है। सरगम से आपको बहुत अच्छी एक चाबी निकलती है और चाबी आपको समझ में आ जाती है। यहाँ पे आपको गाने भी ढूंढने बहुत आसान जाती है और आपकी तैयारी बहुत जाती है। जैसे कोई सरपट्टी के जो म्यूजिक होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक हमारा हाथ का एक सुधार आता है, हमारी एक सफाई आती है हाथ में। और कोई भी गाना हम जब निकालेंगे, मान लो अभी हम सरगम सीख रहे हैं, उसके बाद हम कोई भी गाना निकालना होगा तो हमें दोस्तों वो गाना बहुत इजीली मिले, बहुत आराम से उस गाने को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी सरगम पे तैयारी बहुत अच्छी सी हो। हम म्यूजिक भी उसको बहुत इसी लोग दोस्त बहुत ऐसे हैं जो लोग ज्यादा बोल बोल बजा लेते हैं, उन्हें गाने का म्यूजिक पता नहीं होता। तो म्यूजिक आपको, म्यूजिक में दोस्तों बस यही है, झरपट्टा है, मतलब मतलब इस तरीके से म्यूजिक होता है। तो म्यूजिक को हम अगर तैयारी कर लेंगे अच्छे से, हम अपनी सरगम की तैयारी करे हुए होंगे पहले से ही, तो हमें आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों बहुत इजीली है, दोस्तों बहुत ज्यादा तरीके से बता पाऊंगा, बहुत ऐसी ट्रिक है दोस्तों ये, क्योंकि दोस्तों मैं जब त्रिपुट सीखा था तो मुझे बहुत इजीली, मैंने इस चीज को बहुत ध्यान से देखा था, बहुत सरगम पे तैयारी की थी। और सरगम पे तैयारी करने के बाद आज मैं जो भी गाने अपने आप खुद ब खुद अपने दिमाग में जो मेरे होते हैं वो यहाँ मैं निकाला। जैसे इस टाइम मुझे गाना दिमाग में कौन सा गाना है, दोस्तों मैंने कुछ तय नहीं किया, एक अलग गाना मैं आपको अभी बजा के दिखाऊंगा, खुद ब खुद निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सीख चुका हूँ थोड़ा बहुत। ठीक, तो गाना हम लिख के जो खत तुझे वो तेरे याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। दोस्तों अब मुझे क्या है, स्किल निकालना, डा 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 डा। अब पहले हम स्किल लिख रहे थे, और दोस्तों अब ढूंढने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन रियाज तो रियाज है ना, रियाज करेंगे घर में बैठ के, आपको घर में बजाना है इस चीज को। जब आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, रियाज करेंगे, उसके बाद ही आप पार्टी में जाएंगे, हैं तो हमें ढूंढना है। तो दोस्तों हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, मैं अभी जो मैंने गुनगुनाया आपने मुझसे, लिख के जो कत ऊंचा लगा, अब मैं यहाँ पे सुर देख रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा नीचा मुझे सी लग रहा है। देखें, लिख के जो कत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। अब क्या है, टा डा 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 डा। इस चीज को हमें अब दिमाग से निकालना खुद को। देखो दोस्तों ये नजारे बन गए, ये चीज निकालने में थोड़ी मुझे दिक्कत आई, लेकिन मैं निकालूंगा। सॉरी थोड़ा देखो, ये दोस्तों जब हम रियाज करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां नजर आती हैं, लेकिन हम उसको समझ लेते हैं कि हाँ एक गलती लग गई। अब देखिए, अब हमको ये थोड़ा इतना याद होगा, अब हम पूरा इसको निकाल लेंगे सही से। ठीक है, देखिए, देखो दोस्तों इस तरीके से हम कोई भी
गाना ढूंढ सकते हैं खुद ब खुद। दोस्तों मैंने गाना पहले कभी मैंने आप देख सकते हैं मेरे वीडियो मैंने इतनी सारी डाल रखी लेकिन कभी ये गाना नहीं बजा। लेकिन दोस्तों आज अचानक मैंने आपको सिखाने के चक्कर से ये चीज गा रहा हूँ। दोस्तों आप खुद ब खुद प्रयास किया करें बैठ के आराम से। आप शुरू में तो सरगम सीखेंगे, बहुत ज्यादा सरगम को आपको याद देना पड़ेगा। उसके बाद जब गाना निकालने की कोशिश करें तो खुद ब खुद कोशिश करिएगा और वही गाना निकालें जो आपके जहन में, जैसे मुझे इतना याद है। दोस्तों मुझे इतना याद था तो मैंने इतना निकाला, मुझे आगे इसका अंतरा पता नहीं कैसे, लेकिन वो भी मैं जब मैं सुनूंगा उसको अच्छे से कान से लगा के सुनूंगा, मोबाइल से अपने किसी भी चीज से सुनूंगा, सुनने के बाद में जब उसको देखूंगा तो वो भी मैं उसको निकाल लूंगा आराम से। तो आप इस तरीके से उसको बहुत अच्छे से रियाज करें, बहुत प्यार से रियाज। दोस्तों बहुत जरूरी है, आप कम से कम दिन में 2 घंटे या 3 घंटे ट्रम्पेट लेकर अपना बैठा करें। और फिर अगर आप नए हैं बिल्कुल तो आप फूंक, आपकी फूंक में सुधार आएगा और आप थोड़ा पुराने हो गए आपको सरगम में आ रही है तो सरगम को बजाएं खूब अच्छे से राउंड, तो आपकी चाबियों में सुधार आएगा, आपकी एक ही चाबी समझ में आएगी और आपके फूंक भी और अच्छे से सुधरती रहेगी। और जब आप उतना सीख लेंगे उसके बाद आप दोस्तों गाने निकाले करें खुद ब खुद, वो ही गाना निकालें जो आपके जहन में सुधार हो, आप उसको गुनगुनाते हो अच्छे से। कोई भी गाना आप गुनगुना रहे हैं मतलब जो चीज़ आप जो भी म्यूजिक बजा रहे हैं जो भी आपकी ट्यून दिमाग में गूंज रही है तो आप उसमें कोशिश किया करें निकालने की, तो आप निकाल लेंगे मुझे इतना विश्वास है। ठीक है, क्योंकि मैं भी कोई भी चीज़ का गुनगुनाता हूँ तो उसको ट्रम्पेट में निकाल लेता हूँ, इजीली मुझको मिल जाती है, देर से ही मिलती है लेकिन मिल जाती है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो मैंने बनाया आपके लिए, जो लोग ट्रम्पेट सीखने वाले हैं बहुत ईजीली ट्रम्पेट सीखें हमारे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। ठीक है, और वीडियो चैनल को लाइक करके कमेंट कर देना। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।